करिश्मा ने सलमान खान के साथ शेयर की 19 साल पुरानी तस्वीर, फिर फैंस से पूछा ये सवाल। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा करिश्मा कपूर लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन 90 के दशक में करिश्मा बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में से एक रह चुकी हैं। उन्होंने उस समय सलमान खान से लेकर गोविंदा और आमिर खान के साथ तक कई सुपरहिट फिल्में की। इस दौरान उन्हें सिनेमा के कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। इस बीच करिश्मा कपूर ने एक बार फिर से अपने फिल्मी सफर को ताज़ा किया है। दरअसल करिश्मा कपूर ने सलमान खान के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। यह एक तस्वीर सलमान खान और करिश्मा कपूर की 19 साल पुरानी फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे की है, लेकिन करिश्मा कपूर ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए फिल्म के नाम का खुलासा नहीं किया है और अपने चाहने वालों से फिल्म का नाम पूछा है। करिश्मा कपूर ने सलमान और अपनी तस्वीर को शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा, किस फिल्म में लिफ्ट मांगते हुए सलमान और करिश्मा ने बीबी नंबर एक दुल्हन हम ले जाएंगे, चल मेरे भाई जुड़वा और हम साथ साथ हैं जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया है। सलमान खान के साथ उनकी ये सभी फिल्में सुपरहिट रही हैं। बता दें कि करिश्मा कपूर की जोड़ी सलमान खान के अलावा एक्टर गोविंदा के साथ भी सुपरहिट रही है। गोविंदा के साथ भी उन्होंने कई फिल्में की हैं। हाल ही में गोविंदा और करिश्मा की सुपरहिट फिल्म कुली नंबर एक का रीमेक बनाने की घोषणा हुई है। कुली नंबर एक के रीमेक में एक्टर वरुण धवन और सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान मुख्य भूमिका में दिखाई दे सकती हैं। आपको बता दें कि करिश्मा कपूर आखिरी बार बड़े पर्दे पर साल 2012 में दिखाई दी थी। इस साल उनकी फिल्म डेंजरस इश्क रिलीज हुई थी। इस फिल्म में करिश्मा कपूर के साथ रजनीश दुगल मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म का निर्देशन विक्रम भट्ट ने किया था, लेकिन 6 साल बाद पर्दे पर दिखी करिश्मा कपूर की डेंजरस इश्क कुछ खास कमाल नहीं कर सकी।